बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 18 मार्च 2021 जुमेरात का दिन था, वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बैंक सेलिंग देखेंगे, आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे, नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पेआउट्स की डिटेल्स है वो देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो चार दिन की non-stop तेजी के बाद जो है वो आज KSE 100 index ने negative में closing दे दी है। 726 points का जो है वो आज downfall था, 1.60% कमी के साथ index 44,724 के level पे बंद हुई है। 45,000 का जो level था उसको भी index ने break कर दिया, नीचे की closing दी है। सुबह ओपनिंग जो थी वो 45,519 की थी और इंडेक्स ने सिर्फ 162 पॉइंट ही ऐड किए हैं। 45,612 का जो है वो हाई लगा था और उसके बाद जो है वो सेलिंग देखी गई। सेकेंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखी गई, 44,641 तक जो है वो इंडेक्स को ड्रैग किया, 808 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे में लूज हुए, 1.78%। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 726 पॉइंट्स के साथ आई है, तो इंडेक्स जो है वो अपने तकरीबन लोएस्ट साइड पे ही बंद हुआ है। मामला चल रहे थे, एक तो कोरोना केसेस के भी इंक्रीज देखा जा रहा है, दूसरा जो है वो कुछ टैक्स के मामला हैं जिन पे जो है वो आज काफ़ी न्यूज़ चल रही थी। दूसरा जो है वो कल मॉनिटरिंग पॉलिसी का भी इजलास है जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड होगा। वैसे 80% जो एनालिस्ट हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जी नो, इस बार नो चेंज ही रहेगा इंटरेस्ट रेट, लेकिन 20% का जो ख्याल है कि 50 से 75 बेसिक पॉइंट जो है वो बढ़ सकते हैं। वॉल्यूम में जो है वो आज इजाफा देखा गया, कल की निस्बत आज ज़्यादा काम हुआ है, 299 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था आज का। 5 डे की जो एवरेज है वो 228 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 11 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे, KSE 100 इंडेक्स के 79 डाउन थे और 10 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो टॉप पे रहे, 118 पॉइंट्स डाउन किए, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 112, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 87 पॉइंट्स निकाले, सीमेंट्स की तरफ से 85, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 48, टेक्सटाइल कंपोजिट 47, फर्टिलाइजर 44, पावर जनरेशन 43, फार्मास्यूटिकल 31, इंजीनियरिंग सेक्टर ने भी 15 पॉइंट्स लूज किए हैं। तो अक्रॉस दी बोर्ड हर सेक्टर ही जो है वो आज नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। कंपनीज की अगर बात करें तो TRG सबसे टॉप पे है 101 पॉइंट्स के साथ, एंग्रो कॉरपोरेशन ने 46 पॉइंट्स निकाले हैं, PSO की तरफ से 34, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 33, बैंक अल हबीब ने 32 पॉइंट्स लूज किए हैं, हब पावर कंपनी लिमिटेड 31, लकी सीमेंट 25, HBL 22, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 20 पॉइंट निकाले, सरले की तरफ से 19, जबकि माड़ी पेट्रोलियम ने 18 पॉइंट्स लूज किए। फ्लिप साइड पे फौजी फर्टिलाइजर की तरफ से 15 पॉइंट्स ऐड हुए, प्लस साइड पे जबकि EPCL ने 10 और इंडस मोटर कंपनी ने 6 पॉइंट्स ऐड किए। सेक्टर्स की अगर बात करें तो नेगेटिव साइड पे जो आज गया है वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर था, 4.54% का डिक्लाइन था। रिफाइनरी सेक्टर भी 4.23% के डिक्लाइन के साथ दूसरा बड़ा सेक्टर था। इंजीनियरिंग सेक्टर में 3.45% डाउन था। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 3.26%, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 2.95, टेक्सटाइल कंपोजिट 2.43% डाउन थे, पेपर एंड बोर्ड 2.38, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 2.30, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 2.17, ग्लास सेक्टर 2.12, जबकि वूलन सेक्टर भी 2.1% डाउन साइड पे था। फ्लिप साइड की बात करें तो सिंथेटिक एंड रियान सेक्टर 0.88% प्लस था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 0.67, जबकि शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.46% अपसाइड पे थी। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 402 पॉइंट्स की कमी के साथ 30,655 पे बंद हुआ है, 554 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगे। KSE 30 इंडेक्स में 377 पॉइंट्स की कमी आई है, 18,500 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 103 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम है। मिजान का 30 इंडेक्स 1310 पॉइंट जो है वो डाउन साइड पे बंद हुआ है, 73,600 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 122 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम के साथ। मिजान का ऑल शेयर इंडेक्स 335 पॉइंट्स की कमी के साथ 22,060 पे बंद हुआ है, 227 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगे। UBL का ETF 115 पॉइंट्स की कमी के साथ 12,546 पे बंद हुए, 16 मिलियन का वॉल्यूम था। NIT का ETF जो है वो 115 पॉइंट्स की कमी के साथ 9,380 पे बंद हुआ है, 16 मिलियन शेयर्स का ओवरऑल वॉल्यूम था। NBP ETF भी 212 पॉइंट्स डाउन था, 11,156 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 55 मिलियन का ओवरऑल वॉल्यूम है। जबकि मीज़ान का जो ETF है उसमें 213 पॉइंट्स की कमी आई है, 10,695 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 36 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं।
सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट से वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है आज बाइको पेट्रोलियम रहा है, 57.8 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 0.59% डाउन था। के इलेक्ट्रिक 49 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.49% प्लस था। टीआरजी पाकिस्तान आज 6.29% डाउन साइड पे गया है, 39 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। हम नेटवर्क में भी 37 मिलियंस का काम हुआ है, 4% डाउन था। एसगार 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.57% डाउन था। डबल जी एल 20 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 3.45% डाउन साइड पे था। यूनिटी फूड भी 4.85% डाउन था, 19 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। पाकिस्तान रिफाइनरीज 6% डाउन थी, 17 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। अल शहीर कॉर्पोरेशन में भी 16 मिलियंस का आज काम हुआ है, 7.45% अपसाइड पे गया है। हैस्कोल पेट्रोलियम में भी 14 मिलियंस का आज वॉल्यूम लगा है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो ट्राईस्टार पॉलिएस्टर था, 7.62% प्लस था। अल शहीर कॉर्पोरेशन 7.45%, गवर्नमेंट पाकिस्तान 7.42, समीन टेक्सटाइल मिल 7.07, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन 6.97% प्लस थी। BIPL 3.39, आर्टिस्टिक डेनिम 3.26, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 3% प्लस थी। EPCL 2.75 और फौजी फूड्स भी 2.59% अपसाइड पे गया। आज के जो टॉप 10 लूजर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो सुमित बैंक था, 13.9% डाउन था। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी 13%, मीडिया टाइम्स लिमिटेड 9.75% डाउन थे। टेलीकार्ड भी 9% आज डाउन साइड पे गया। सर्विस फैब्रिक्स 8.7%, परवेज अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज 8.46, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज 7.37, नेटसोल टेक्नोलॉजी 7.29, नेशनल रिफाइनरी 7%, जबकि टीआरजी पाकिस्तान भी 6% आज डाउन साइड पे गया। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो IGI होल्डिंग्स लिमिटेड की आज एनुअल मीटिंग थी, अभी मीटिंग चल रही थी, 4 बजे इनकी जो है वो मीटिंग थी, तो कल सुबह इसका जो है वो रिजल्ट आएगा। वेव सिंगर पाकिस्तान का एनुअल रिजल्ट कल 11:30 बजे है। पैकेजेस लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट कल 1:30 बजे अनाउंस होगा। डंडोट सीमेंट कंपनी की मीटिंग जो है वो रीशेड्यूल हो गई थी, कल 3:30 बजे ये मीटिंग थी 17 मार्च को, अब इन्होंने रीशेड्यूल करके 22 मार्च को 3:30 बजे कर दी है। हाफ ईयर का इनका रिजल्ट है। पार्क सुजुकी का भी एनुअल रिजल्ट 22 मार्च को 11:00 बजे है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एनुअल रिजल्ट 24 मार्च को 10:30 बजे। हैस्कोल पेट्रोलियम ने भी अपने थर्ड क्वार्टर की डेट्स अनाउंस कर दी है, 25 मार्च को 12:00 बजे जो है वो इनकी BM है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का एनुअल रिजल्ट जो है वो 31 मार्च को 12:30 बजे अनाउंस होगा। पेआउट्स की अगर बात करें तो कल जिन कंपनियों का आखिरी दिन है डिविडेंड अवेल करने का, उसमें सियान लिमिटेड है, EFU जनरल इंश्योरेंस है, एंग्रो पावर जेन कादिरपुर है, EFU लाइफ अश्योरेंस सिस्टम लिमिटेड और जिल लिमिटेड जो है ये कंपनी है जिनके कल जो है वो आखिरी दिन है डिविडेंड लेने का। सियान ने जो है वो 5 रुपये का डिविडेंड दिया है, EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 5.50 रुपये का डिविडेंड है, एंग्रो पावर जेन कादिरपुर की तरफ से 1.75 रुपये का, EFU लाइफ अश्योरेंस 10.50 रुपये, सिस्टम लिमिटेड का डिविडेंड है 3.50 रुपये और साथ में जो है वो बोनस भी है 10% का। ये सारी जो है वो नॉन शरिया कंपनी है। जिल लिमिटेड जो है वो शरिया कंप्लाइंट है, 1.25 रुपये का इसका डिविडेंड है। उसके अलावा तारिक क्लास इंडस्ट्रीज का बोनस है, 25% के इसने बोनस दिए हैं, 24 मार्च जो है वो इसकी एक्सटेंड बन रही है, नॉन शरिया है ये। इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के बोनस शेयर अवेलेबल है 200%, 29 मार्च जो है वो इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है ये भी। सन रेस टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड बोनस है इसके 200% के, 29 मार्च को जो है वो इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये, एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो होना चाहिए आपके पास स्क्रिप्ट जो है। बैंक ऑफ खैबर, फ्लाइंग सीमेंट्स, यूनाइटेड बैंक, अस्करी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, एंग्रो फर्टिलाइजर, जुबली लाइफ इंश्योरेंस और सना इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये जो है वो कल एक्स होके ओपन होंगे। आज इनका आखिरी दिन था पेआउट से अवेल करने का। बैंक ऑफ खैबर ने बोनस दिए थे 5% के और 1.5 रुपये का डिविडेंड था। फ्लाइंग सीमेंट्स के राइट्स अवेलेबल थे 113% के। यूनाइटेड बैंक का 9.50 रुपये का डिविडेंड था। अस्करी बैंक का 3 रुपये का। बैंक ऑफ पंजाब 1 रुपये का डिविडेंड था। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपये का डिविडेंड। जुबली लाइफ इंश्योरेंस का 13 रुपीज डिविडेंड था, जबकि सना इंडस्ट्रीज के भी राइट्स अवेलेबल थे 28% के। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो आज 2 रिजल्ट्स थे। IGI होल्डिंग्स लिमिटेड ने जो है वो अपनी मीटिंग इन प्रोग्रेस की नोटिफिकेशन दी है, कल सुबह देंगे।
फिलिप्स मॉरिस पाकिस्तान ने जो है वो अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस आया है ₹11.72 का, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹9.84 की लॉस था इनका। फुल ईयर की अगर इनकी ईपीएस देखें इस साल तो ये ₹16.76 की इन्होंने अर्निंग दी है। लास्ट ईयर इनका लॉस चल रहा था ₹32.15, पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया।